एटीएम नाम कैसे पड़ा आपका? देखिए, एक 2.5 लाख का इनामी फहीम उर्फ एटीएम, जो एक अंतरराज्यीय अपराधी है जिसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड 62 मुकदमे हैं, जिसमें कुछ मुकदमे जनपद मुरादाबाद के हैं, कुछ अन्य जनपदों के हैं और बाकी अन्य राज्यों के हैं। ये एक बहुत ही शातिर अपराधी है। इसको एडिशनल एसपी एसटीएफ अब्दुल कादिर और वहाँ के इंस्पेक्टर राकेश चौहान और बाकी थाना गलसहीद, सीओ कटघर, इन सब लोगों के संयुक्त प्रयास से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसे कल संबल फाटक के पास से रात्रि समय लगभग 9 बजे के आसपास अरेस्ट किया गया था। इनफैक्ट ये एक 2011 के मर्डर के केस में थाना गल से इसे वांटेड था। उसके बाद ये वर्ष 21 में अरेस्ट होने के बाद इसको इस जनपद के अन्य जेलों में ट्रांसफ़र किया गया था और वहाँ से ये एक बार जब न्यायिक अभिरक्षा में आ रहा था वहाँ से फरार हो गया था। उसके एक महीने के बाद पुनः इसको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद इसको यहाँ से सीतापुर जेल ट्रांसफ़र कराया गया था। ये सीतापुर जेल में जब था तो उस समय बीमारी के आधार पर इसने माननीय हाईकोर्ट में पैरोल के लिए रिक्वेस्ट किया और इसको वर्ष जून 2023 में पैरोल ग्रांट हुआ था और उसके बाद कुछ कंडीशंस इसको दिए गए थे कि ये लोकल थाने में आकर के अपना सब कुछ अटेंडेंस देगा और सारा रिकॉर्ड्स ला करके देगा, लेकिन ये वहाँ से कभी आया नहीं और पेरोल जंप करके ये फरार चल रहा था। इसीलिए इसको अभी हम लोगों ने लगातार प्रयास करके और उसके बाद एसटीएफ और जो लोकल टीम है इन सब लोगों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में इसको अरेस्ट किया है और उसमें अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है। क्या बरामद किया सर इसके पास से? इसके पोजिशन से एक असलाह, 10 कारतूस बरामद हुए हैं और ये जो थाना कांट है, कांट के क्षेत्र का रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।